सब्सक्राइब करें जेपी वेब को और पाएं रीसेंट अपडेट्स। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र पाल सिंह और आप ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज देख रहे हैं ये पीएचपी के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे पीएचपी के अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस के अंदर कैसे हम डेटा को इंसर्ट, डिस्प्ले, अपडेट और डिलीट करते हैं। इस सीरीज़ की पहली तीन वीडियोस मैं बना चुका हूँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करते हैं। दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि उस डेटाबेस और टेबल के साथ हम कैसे कनेक्शन क्रिएट करते हैं। और थर्ड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हम टेबल के अंदर कैसे पीएचपी की हेल्प से डेटा को इंसर्ट करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्म क्रिएट करके बताया था और इस फॉर्म के थ्रू डेटा को टेबल्स में इंसर्ट करके दिखाया था। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो हमने डेटा इंसर्ट किया था उसे अपने वेब पेज के अंदर कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं और उसे सेव करता हूं अपने सेम फोल्डर के अंदर जहां पे हम काम कर रहे थे, और इस फाइल का नेम रख देता हूं display.php। तो सबसे पहले मैं पीएचपी कोड को ओपन करता हूं और क्लोज करता हूं, और यहां पे अपनी कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करता हूं। connection.php, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम सबसे पहले अपनी connection.php फाइल को यहां पे इंक्लूड करेंगे ताकि हमारा कनेक्शन बन जाए। उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं क्यूरी नेम का, और इसके अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करवाने की क्यूरी लिखेंगे। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए ये क्यूरी लिखी थी, तो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें इस टेबल से डेटा सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए हमारी क्यूरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारे पास है स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, और स्टार का मतलब यहाँ पे स्टार नंबर ऑफ कॉलम्स, रोल नंबर, नेम और क्लास। स्टार का मतलब है कि ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे कुछ और कॉलम्स होते तो वो उन्हें भी सिलेक्ट कर लेता, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार ऑप्शन एंटर की है। अब इस क्यूरी को हम रन करते हैं mysqli_query इस फंक्शन की हेल्प से, और इस फंक्शन के अंदर हम दो चीज़ें देते हैं, एक अपना कनेक्शन वेरिएबल और एक क्यूरी वेरिएबल। और इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेता हूं डेटा। आप वेरिएबल्स के नेम कुछ भी दे सकते हैं। अब पीएचपी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है mysqli_num_rows। इस फंक्शन की हेल्प से हम नंबर ऑफ रोज को डिस्प्ले करवा सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे क्यूरी लगाई उस क्यूरी के हिसाब से कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे टेबल से फेच होंगे। हमने ये क्यूरी इस वेरिएबल के अंदर सेव करवाई है, तो मैं इस वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अपने इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ जिसका नेम दे देता हूँ टोटल। अब मैं आपको इस टोटल वेरिएबल को इको करवा कर दिखाता हूँ। मैं सेव करता हूँ और इस फाइल को अब रन करता हूं display.php। तो यहां पे देखिए 10 मैसेज आ रहा है। ये 10 यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे इस टेबल के अंदर टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं। मैंने आपको अभी बताया कि mysqli_num_rows ये एक फंक्शन है जो क्यूरी के हिसाब से हमें नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले करवाता है कि कितना रिकॉर्ड इस क्यूरी के हिसाब से टेबल से फेच होगा। अगर यहाँ पे देखिए मैं इस क्यूरी को चेंज करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर मैं MCA लिख देता हूँ, तो इस टेबल में उन रिकॉर्ड्स को फेच करेगा जिनकी क्लास MCA है। तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 और 4 चार ऐसे टोटल रिकॉर्ड्स हैं जिनकी क्लास MCA है। मैं इस फाइल को सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ
तो देखिए क्यूरी के हिसाब से हमारे चार रिकॉर्ड्स फेच हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस क्यूरी को थोड़ा सा गलत कर दूँ, क्लास MCA की जगह मैं एक ऐसी क्लास लिख दूँ जो टेबल में है ही नहीं, और अब इस फाइल को सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ज़ीरो रिकॉर्ड्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह की क्लास है ही नहीं जो मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हमारे टेबल के अंदर हमारी क्यूरी के हिसाब से डेटा होगा तो हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज ज़ीरो डिस्प्ले कर देगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ else, if के अंदर मैं ये कंडीशन सेट कर देता हूं कि अगर हमारा टोटल नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमें मैसेज डिस्प्ले करवाए टेबल हैज रिकॉर्ड्स, अदरवाइज हमें मैसेज डिस्प्ले करवाए नो रिकॉर्ड फाउंड। मैं इस फाइल को सेव करता हूं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं। मैं इस काउंट को हटा देता हूं, सेव करके दोबारा रिफ्रेश करता हूं। अब यहां पे देखिए मैंने ये क्यूरी लगाई थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू दिस, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है टेबल के अंदर तो हमें मैसेज डिस्प्ले कर रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। और अगर हम अपनी कोई क्यूरी सही लिखते हैं वेयर क्लास इज इक्वल टू MCA, तो सेव करता हूं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो टेबल हैज रिकॉर्ड्स का मैसेज आ रहा है जो हमने यहां पे कंडीशन के अंदर सेट किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं तो उन्हें डिस्प्ले कैसे करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है MySQL i_fetch_associative_array ASOC ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और फिनिश। इसके ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे, हमारी क्यूरी इस वेरिएबल के अंदर सेव है तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर देता हूँ और इस फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ जिसका नेम दे दिया मैंने रिजल्ट। इस फंक्शन की हेल्प से हम अपनी क्यूरी के हिसाब से डेटा को फेच करवा सकते हैं। मैं इस रिजल्ट को इको करके देखता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एरे डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये जो डेटा ये फंक्शन है ये डेटा को एरे के रूप में यहाँ पे PHP के अंदर सेव करता है। हमें ये जो नोटिस आ रहा है हम इसे रिमूव कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग इस फंक्शन की हेल्प से। ब्रैकेट्स के अंदर हम ज़ीरो लिखेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो नोटिस हट जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एरे की जगह हम अपने टेबल का डेटा कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। हमें अपने कॉलम नेम्स को यूज़ करना होगा, रोल नंबर नेम और क्लास। यहाँ पे देखिए इस रिज़ल्ट के आगे मैं ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में अगर रोल नंबर लिखता हूँ, इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो 1 आ रहा है फर्स्ट रोल नंबर। अगर इसे मैं नेम करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो नेम आएगा जितेंद्र पाल सिंह जो यहाँ पे सेव है। अगर मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी क्लास आएगी MCA जो यहाँ पे सेव है। अगर मैं तीनों को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे रोल नंबर डॉट डबल कोट स्टार्ट और फिनिश एक स्पेस दे देता हूँ और डॉट लगाकर इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर कि कैसे हम दो रिकॉर्ड्स को आपस में डॉट ऑपरेटर के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो पहला रोल नंबर, फिर नेम डॉट डबल कोट्स के अंदर स्पेस डॉट और यहाँ पे क्लास। मैं इसे सेव करता हूँ
और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस टेबल का पहला रिकॉर्ड रोल नंबर 1 नेम जितेंद्र पाल सिंह और क्लास MCA यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। उसके आगे ये टेबल हैज रिकॉर्ड्स का मैसेज आ रहा है जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था कंडीशन के अंदर। आपको समझाने के लिए मैं इसे रिमूव करके सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो पहला रिकॉर्ड आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए, ये सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। उसके लिए हमें एक लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, व्हाइल लूप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको व्हाइल लूप का कंसेप्ट समझा देता हूँ। मैं इफ के अंदर व्हाइल लूप स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, हेलो जितेंद्र। मैं इसके आगे ब्रेक लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए और यहाँ पे व्हाइल के अंदर एक कंडीशन सेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ किसी भी नेम से और उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ 5। मैंने वेरिएबल लिया ए जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 5। अब व्हाइल के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ, जब तक डॉलर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये मैसेज डिस्प्ले करवाता रहे, हेलो जितेंद्र। लेकिन यहाँ पे मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू 5 सेट की है तो हमेशा इसकी वैल्यू 5 रहेगी और हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, इसलिए ये मैसेज चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे इसके बाद मैं इस डॉलर ए की वैल्यू को एक बार माइनस कर देता हूँ। उसके लिए हम माइनस माइनस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। दो बार आप माइनस लिख देंगे तो इसकी वैल्यू डॉलर ए की वैल्यू एक बार कम होती जाएगी। मैंने एक डॉलर ए वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 5 सेट कर दी। तो व्हाइल के अंदर सबसे पहले ए की वैल्यू 5 होगी जो 0 से बड़ी है तो हमारा हेलो जितेंद्र मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद उसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी, मींस 5 से घटकर उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब 4 चेक होगा, 4 4 ग्रेटर देन 0 हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 ग्रेटर देन 0 और ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर 2 फिर 1, इस तरह से ये लूप 5 बार चलेगी। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेलो जितेंद्र का मैसेज 5 बार आया, 1 2 3 4 5। अगर मैं इस ए की वैल्यू सेट कर देता हूँ 10 तो ये लूप 10 बार चलेगी। सेव रिफ्रेश। अब हमें यही चीज अपने डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करनी है तो यहां पे इसको मैं हटा देता हूं और इस मैसेज को भी हटा देता हूं। मैसेज की जगह हम अपना डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टेबल का जो हमने यहां से करवाया था, इसे मैं कट करके इस कंडीशन के अंदर लगा देता हूं ताकि हमारा मैसेज की बजाय ये डाटा डिस्प्ले हो। और हमारी कंडीशन क्या हो, ये इसे मैं कट करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। लूप के अंदर हम सेमी कॉलन नहीं यूज करते इसलिए मैंने सेमी कॉलन को कॉपी नहीं किया, इसे डिलीट कर देता हूं। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए हमारा रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर रहा है हमारी इस क्यूरी के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं, बीआर टैग, सेव और रिफ्रेश, हमने यहाँ पे क्यूरी लगाई थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू MCA, तो MCA के रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इसे सिंपल कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर की कंडीशन हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए हमारे सभी 10 रिकॉर्ड्स इस टेबल से फेच करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब इन सभी रिकॉर्ड्स को प्रॉपर इस तरह से टेबल में डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे टेबल का यूज़ करूँगा तो मैं उसके लिए आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप इस इफ कंडीशन के अंदर PHP का टैग क्लोज कर देंगे और दोबारा PHP का टैग ओपन करेंगे
क्योंकि टेबल क्रिएट करने के लिए हमें HTML का पार्ट यूज करना है, टेबल टैग, तो हम वो PHP के अंदर नहीं लिख पाएंगे। अगर हम PHP के अंदर लिख पाएंगे तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं आपको इजी तरीके से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे ऐसे किया। तो यहाँ पे अब मैं HTML के टैग्स यूज कर सकता हूँ। टेबल, टेबल टैग को क्लोज करता हूँ क्योंकि इन टैग्स के अंदर मैं अपना टेबल क्रिएट करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको HTML के अंदर टेबल्स क्रिएट करने आते होंगे। तो हम टेबल टैग ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। उसके बाद हम रो के लिए एक TR टैग लेते हैं और उसे क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हम TD टैग स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, इस टैग को मैं कॉपी करता हूँ और दो बार पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास तीन फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और क्लास। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, रोल नंबर, नेम और क्लास। अब हमारी ये फर्स्ट रो जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है वो तो हमने यहाँ पे लिख दी, लेकिन ये बाकी के जो रिकॉर्ड्स हैं ये यहाँ पे लूप के अंदर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल टैग को यहाँ से कट करके बिल्कुल लास्ट में क्लोज करेंगे। हमारा टेबल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। हमारी फर्स्ट रो यहाँ पे बन चुकी है। बाकी के रोज क्रिएट करने के लिए हमें इस लूप के अंदर इस TR टैग को लिखना होगा। तो इजी तरीके में मैं आपको बताता हूँ, आप सबसे पहले इस सारे कोड को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल लास्ट में PHP कोड के अंदर। ये मैंने टेम्परेरीली यहाँ पे इसे कॉपी किया है, हम इसे बाद में यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इको के अंदर मैं इस रो को कॉपी कर देता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे TD टैग्स के अंदर रोल नंबर, नेम और क्लास लिखे थे, हम इन्हें यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अपना PHP कोड लगाने के लिए कोड्स को स्टार्ट करता हूँ, डॉट ऑपरेटर को दो बार यूज करता हूँ और कोड्स को क्लोज कर देता हूँ। और अब इस डॉट ऑपरेटर्स के अंदर मैं इसे कॉपी करता हूँ, रोल नंबर, जिस तरह से रोल नंबर किया उसी तरह से कोड से लेकर कोड्स तक को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ। तो जो टेबल की रो मेरी लूप के अंदर चलनी थी वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने टेम्परेरली यहाँ पे कॉपी किया था अपनी हेल्प के लिए, ताकि यहाँ से मैं ये कोड उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर सकूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल रेडी है। यहाँ पे आप इस TD को TH में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल हेड। यहाँ पे TH को क्लोज कर देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए हमारे टेबल हेड रेडी हैं और हमारे टेबल के अंदर सारा रिकॉर्ड जो इस टेबल के अंदर था वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको सारा कुछ समझ में आया होगा कि जो मैंने आपको बताया है कि कैसे हम PHP के अंदर डेटा को क्यूरी की हेल्प से डिस्प्ले करवाते हैं विद कंडीशंस, क्योंकि मैंने आपको कंडीशंस भी बताई कि अगर हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं है तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आए, और अगर है तो उन्हें कैसे टेबल के थ्रू डिस्प्ले करवाना है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम PHP के अंदर इस रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करवा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल या ईमेल में नोटिफिकेशंस मिलते जाएं जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूं, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।